तो नमस्कार साथियों, एक शानदार इंटरव्यू में आपका स्वागत है। जैसे कि हम अभी गोलगप्पे के ठेले पे आए हुए हैं, कैसे इन्होंने शुरुआत किया इस बिजनेस को और कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं, इन सारे मुद्दों के ऊपर विस्तार से विश्लेषण करेंगे। आप जान ही रहे हैं कि गोलगप्पे कितने पॉपुलर है, कहीं पर भी ये बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो सकता है, तो इससे संबंधित सारे मुद्दों के ऊपर विस्तार से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि इन महोदय का क्या नाम है? सत्येंद्र प्रसाद जायसवाल। तो इनका सत्येंद्र प्रसाद जायसवाल है। पिछले कितने सालों से आप इस बिजनेस को? 17 साल से कर रहे हैं। लगभग 2000 कितने से कर रहे हैं? 2004 से। 2004 से कर रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए, इस बिजनेस को शुरू करने का आपको आइडिया कहाँ से मिला? हमारे रिलेशन में है, करते हैं। जोर से बोलिएगा। मेरे रिलेशन में काम करते हैं। अच्छा अच्छा, काफी दिनों से मतलब परिवार अनुभवी व्यक्ति हैं। जी जी। तो काफी अनुभवी व्यक्ति हैं, इनसे हमको काफी ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो ये बताइए कि इस बिजनेस को शुरू करने के बारे में मतलब कोई सोचे तो किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? ये ड्रम है, कंडाल है, दौरी है, ढक्कन है, कलछुल है, ये सब का जरूरत पड़ता है। तो जैसे फुल्की बनाने में कितना समय लग जाता है? 4 से 5 घंटा। 4 से 5 घंटा पूरा आप ही बनाते हैं? जी। तो बनाने के लिए कोई कला होगा कि मतलब कि कुछ नहीं, कला सब बना सकता है, सब बना सकता है ना। तो इसको शुरू करने के लिए मान ले कोई सोचे तो कितनी लागत लग सकती है? एक से डेढ़ हजार रुपया। 1 से 1.5 हजार में शुरुआत कर लेगा? तो सारे बर्तन वर्तन मिला के? नहीं, बर्तन मिला के कम कम 10 हजार रुपये लग जाएगा। 10 हजार रुपये लग जाएगा। तो मान लीजिए इसमें कमाई कितना हो जाता है? सारे डायरेक्ट विशेष मुद्दे के ऊपर पहुँचे, मानिए कमाई वही हो जाता है 200-300 रुपया। बस 200-300 रुपये रोज का हो जाएगा? इससे कभी आगे भी बढ़ जाता है? हाँ, 400 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। उससे ज़्यादा नहीं होता है नहीं। लेकिन आदमी परिवार को मतलब चला सकता? हाँ, परिवार अपना चला सकता है, किसी के हाथ पसारने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया बिजनेस है। मतलब इसका मार्केटिंग किस टाइप का, थोड़ा बताइएगा इंडिया में? मतलब मार्केटिंग है ऐसा, इंडिया में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ फुल्की नहीं बिकता होगा। फुल्की और पानी पूरी बोलते हैं, कोई गुपचुप बोलता है, कोई गोलगप्पा बोलता है। हर जगह अपना, हर राज्य में अलग अलग है व्यवस्था बोलने का। अच्छा बताइए, मसाले कौन कौन से तरीके मतलब पे रखे हुए हैं आप? जीरा है, काला नमक है, सादा नमक है, नींबू है, जलजीरा है, धनिया पड़ता है, पुदीना पड़ता है, अदरक पड़ता है। अच्छा, सब मिलाकर फुल्की की पानी बनती है। पानी बनती है, फिल्टर पानी डालते हैं। ठीक, चापाकल के पानी हम लोग नहीं डालते हैं। अच्छा, फुल्की पानी, हाँ, फिल्टर पानी डालते हैं। पानी रहता है जी। तो मान लीजिए इस बिजनेस को कोई अदर व्यक्ति शुरू करना चाहे तो उससे कोई लिए कुछ सलाह बताइए आप? सलाह क्या बताया जाए, आजकल मार्केट में मिल रहा है, आप खरीद के बेच सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो मान लीजिए जैसे आप डायरेक्ट बाइक में ही सेट कर दिए हैं, है ना, ये TVS में, तो इसको सेट करने के बारे में आपको आइडिया कहाँ से मिला, थोड़ा इसके ऊपर विस्तार से बताइएगा? आइडिया का तो आदमी दुनिया देख रहा है, जिस हिसाब से देख रहा है उस हिसाब से कर रहा है। मतलब चलता फिरता गुपचुप का दुकान है? हाँ, वही बिजनेस है हम लोग का, चलता फुलता। तो एक ही जगह लगाते हैं कि डायरेक्ट कहीं पर भी ले जा सकते हैं आप? नहीं, यहाँ लगाते हैं, हमारे ठेला नहीं है, दूसरे का है। हाँ। मैं इनका खड़ा हूँ। अच्छा अच्छा जी। अब ये धंधा कहूँ भी आप लगा सकते हैं, गली गुच्छा घुमा फिर आगे कोई भी बेच सकते हैं। तो कहाँ पर इसका चलने का ज़्यादा चांस रहेगा, कुछ लोकेशन बताइए कि गांव? लोकेशन तो सबसे बढ़िया, जैसे यहाँ लगाए, यहाँ नहीं चला, मोहल्ले में घुमा कर बेच सकते हैं, जरूरी थोड़ी है यहीं पे बिकेगा हमारा, गली गली घुमा कर भी बेचेंगे तो बिकेगा। ठीक ठीक ठीक। तो मतलब बनाने का कोई और प्रोसेस बताइए जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो? बनाने के देखिए, जो आपको मसाला बताए हैं फुल्की का मसाला वही होता है, बस बनाने का तरीका अलग होगा। हाँ, बनाने का तरीका होता है, अपनी तकदीर होती है, नसीब होती है, जिसे जिसे जिस क्वालिटी से ग्राहक को सामान खिलाएंगे उस क्वालिटी से आपके पास ग्राहक आते हैं। तो एक अलग वाला फुल्की भी आता है जो चाइना वाला होता है? चाइना वो ज़्यादा मार्केटिंग है कि नहीं? नहीं, ये फुल्की का मार्केटिंग है, ये बनारस फुल्की है, सूजी फुल्की जिसको बोलते हैं, सूजी फुल्की। हाँ, तो किसका मतलब ये वाला बेहतर रहेगा शुरू करना? हाँ, यही वाला बेहतर रहता है। तो बहुत सारे मतलब इसमें नुकसान भी हो जाता है कभी, इसके ऊपर भी थोड़ा? हाँ, नुकसान क्यों ना होगा भैया, बारिश हो गया, छोला बस गया, पानी बस गया, तो बारिश होगा तो नुकसान तो होना ही होना है। नुकसान होना ही है। तो जैसे कि नुकसान होने के साथ साथ कमाई भी है, नुकसान भी है? हाँ, कमाई नुकसान दोनों है, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें नुकसान न हो, जिसमें कमाई न हो। सही बात है। तो बहुत से बातों के ऊपर विस्तार से विश्लेषण